दोस्तों, मोटोरोला कंपनी पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी तगड़ा काम कर रही है। यहाँ पे 4G फोनों, 5G फोनों, काफ़ी अच्छे फ़ोन यहाँ पे लॉन्च करी, जो कि इन दी एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं, खासकर 10,000 से 20,000 के बीच में। और अब इसी बीच यहाँ पे इन्होंने एक नया फ़ोन मोटो G82 5G भी लॉन्च कर दिया है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसके स्पेक्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ी कमियाँ भी हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में बताऊँगा आपको, प्रोज एंड कॉन्स इसके डिस्कशन करेंगे, और एंड में बताऊँगा कि आपको फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट है इसका डिस्प्ले। काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले यहाँ पे मोटोरोला G82 में आपको देखने को मिलता है। 10-bit पैनल यूज़ किया गया और 120Hz का आपको POLED पैनल देखने को मिलता है। तो POLED काफ़ी यूज़ कर रही है मोटोरोला, प्लास्टिक OLED होता है, जिससे आपको बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले काफ़ी आपको वाइब्रेंट देखने को मिलेगा, अच्छे कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कॉन्टेंट वॉच करना है नेटफ्लिक्स Amazon Prime में, तो इसके लिए ये मस्ट हैव फोन हो जाएगा। काफ़ी तगड़ा फ़ोन है और आपको HDR कंटेंट का यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, अच्छे पैनल तो दे रही हैं, लेकिन उसमें HDR सपोर्ट का उसमें देखने को नहीं मिलता। तो ये एक कमी है, HDR में आप वीडियोस वॉच नहीं कर पाओगे, YouTube में भी और Amazon Prime वगैरह में, Netflix वगैरह में वॉच नहीं कर पाओगे। तो ये एक कमी है, लेकिन इसके बावजूद जो आपका डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके डिस्प्ले में। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्रोसेसर। यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है इस फोन में, वो स्नैपड्रैगन 695 SoC। वैसे तो ये दोस्तों प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बेटर देना चाहिए था मोटोरोला को। एटलीस्ट यहाँ पे 778G देते तो ज़्यादा बेटर होता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको OIS सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो OIS सपोर्ट है उसमें आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, ना ही इसमें 4K सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और 60fps फुल HD में भी आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये एक लिमिटेशन है इस प्रोसेसर की। तो अब एक और चीज़ में ये है कि आप हाई लेवल गेमिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, थोड़े जिटर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी करी है मोटोरोला ने प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी, जब भी आप फोटो खींचते हो तो इसमें भी ISP वगैरह में काफ़ी योगदान देता है आपका प्रोसेसर भी सेंसर्स के साथ। तो यहाँ पे थोड़ी कंजूसी करी है, लेकिन अगर आपका यूसेज डे टू डे कॉमन यूसेज है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रोसेसर के साथ। तो ओवरऑल डिसेंट प्रोसेसर है, थोड़ा बेटर यहाँ पे मोटोरोला दे सकता था। दोस्तों, बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया OIS का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, तो जिससे आपकी जो नाइट फोटोग्राफी है थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और आपको जो वीडियो स्टेबलाइजेशन होगा आपको 30fps फुल HD में आपको अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि प्रोसेसर का लो एंड प्रोसेसर होने के कारण यहाँ पे आप 4K रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, और फुल HD 60fps में भी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, और बेसिकली उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं। अगर थोड़ा बेटर प्रोसेसर होता, यहाँ पे 778G होता या MediaTek 920 होता, तो यहाँ पे आपका OIS इंप्लीमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पे जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो डिसेंट है, बेस्ट नहीं कहूँगा इसको मैं। अब दोस्तों, ये 5G फोन है, तो यहाँ पे आपको 11 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। जब 5G आएगा तो आप ज़्यादा बैंड्स होने के कारण यहाँ पे अच्छे से बिना किसी लिमिटेशन के 5G का नेटवर्क यूज़ कर पाओगे। अब वो हमें नहीं पता कि 5G कब आएगा, वैसे भी काफ़ी डीले की न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिल रही है 5G डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। और बात करें अगर हम 4G प्लस की, तो 4G प्लस का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, जो 4G के नेटवर्क्स होंगे काफ़ी अच्छे आएंगे, और स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इंटरनेट की स्पीड में आपके सिम के थ्रू। बेसिकली 4G प्लस में ये फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल जो नेटवर्क कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं तारीफ करना चाहता हूँ मोटोरोला की, जो कि जो होता है ऑडियो डिपार्टमेंट। यहाँ पे वीडियो डिपार्टमेंट में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं डिस्प्ले वगैरह में, लेकिन ऑडियो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लाउड हैं स्पीकर्स। अब मोटोरोला की पहले काफ़ी क्रिटिसिज्म होता था कि मोनो स्पीकर्स दे देते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया मोटोरोला ने ऑडियो डिपार्टमेंट में। ऑडियो काफ़ी अच्छा इस फोन में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो आपका जो कंटेंट वॉच का जो आपका एक्सपीरियंस होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, ऑडियो अच्छा है, तो ओवरऑल इसमें आप सेटिस्फाई रहेंगे। दोस्तों, 3+ पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। इस फोन में आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है। आपको एंड्रॉयड 12 में ये फोन लॉन्च हुआ है, और आपको 2 साल के यहाँ पे OS अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और IP52 का भी इसमें सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो थोड़े बहुत जो कभी पानी की बूंदें आपकी स्क्रीन में लग जाएंगी, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस दिया जाता है इस कंपनी द्वारा। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, मुझे बताना ज़रूरी था। दोस्तों, स्क्रीन प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है मोटोरोला द्वारा। यहाँ पे एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास का आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, या पांडा ग्लास का, कोई सा भी। स्क्रीन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रंट, क्योंकि आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया है, तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन होनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो जब भी अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर से ले लेना, ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो प्रोटेक्टेड रहे। लास्ट पॉइंट दोस्तों, इसका ऑब्वियसली UI, जो क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मोटोरोला आपको प्रोवाइड करता है, वो कोई भी यहाँ पे आपको UI में देखने को नहीं मिलेगा। ब्लोटवेयर्स फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और काफ़ी थोड़े बहुत
जेस्चर्स, थोड़े बहुत कंट्रोल्स आपके जो मोटरोला यूएक्स के थ्रू देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं यूआई एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल जो यूआई एक्सपीरियंस होगा इस फोन का काफ़ी बेटर मिलेगा। दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स मोटरोला G82 5G के, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको डिटेल में बताया, जो कमियाँ थी वो बताई, जो खूबियाँ थी वो भी बताई। अब एंड में मेरा वर्डिक्ट क्या है, मेरा वर्डिक्ट ये है दोस्तों, अगर आपको अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए और फास्ट प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए तो इस फोन को बिल्कुल भी मत लेना। आप इस फोन को सिर्फ ले सकते हो अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, कम से कम बेजल स्क्रीन वाला चाहिए, अच्छा डिस्प्ले वाला। अगर आप अमेजोन नेटफ्लिक्स वगैरह में अच्छी मूवीज़ वगैरह देखते हो, कंटेंट वॉच करते हो, तो ये डिस्प्ले मस्ट हैव है, इससे अच्छा कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा आपको इस कैटेगरी में। लेकिन अगर आपका डे टू डे यूज़ है तो तब भी आपका प्रोसेसर एक काम कर देगा, लेकिन आपके हैवी गेमिंग वगैरह करते हो, आप ज़्यादा गेमिंग करते हो और आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो इस फोन को आप परचेज़ नहीं करना। इससे बेटर फोन आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कभी कभी रियलमी 9 प्रो प्लस आपको डिस्काउंट लगा के इस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा, Xiaomi Lite Any 5G आपको डिस्काउंट लगा के इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर फोन है इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड प्रोसेसर। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस फोन के बारे में और आपको सारे फीचर्स प्रोज एंड कॉन्स समझ में आएंगे मोटोरोला G82 5G के बारे में। दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में, अगर जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।